देखो ना मेरे फेस पे क्या हो गया, ये ब्लैक ब्लैक पिगमेंटेशन तो बढ़ती ही जा रही है, क्या करूं मैं इसका। अच्छा तुम अपने स्किन का कोई भी ध्यान रखती हो, कोई स्किन केयर रूटीन फॉलो करती भी हो? मैंने तो आज तक नहीं देखा तुम्हें कोई स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हुए, तो फेस तो खराब होगा ही ना। हाँ करती हूँ दी स्किन केयर रूटीन फॉलो। अच्छा कैसे करती हो जरा मुझे भी बताना। अरे दी सिंपल है, रात में फेस वॉश किया, मॉइस्चराइजर लगाया और सो गई, यही फॉलो करती हो स्किन केयर रूटीन में, और क्या करना चाहिए मुझे? बस फेस वॉश किया, मॉइस्चराइजर लगाया, हो गया। जब फेस पे पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है तो इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा, ये कुछ काम नहीं आने वाला। तो मुझे क्या करना चाहिए आप ही बता दो। तुझे ऐसे प्रोडक्ट यूज करने चाहिए अपने स्किन केयर रूटीन में जो कि स्किन लाइटनिंग करें, तभी तो ये डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन हटेगी, ऐसे थोड़ी हटने वाली है। नहीं दी मैं अपने फेस पे कोई केमिकल नहीं लगाऊंगी, वैसे ही इतनी बुरी हालत हो रही है मेरे फेस की, केमिकल लगा के तो और ज्यादा खराब हो जाएगा। मैंने बहुत बार ट्राई किया है, कोई भी फेयरनेस क्रीम या कोई चीज मैं लगाती हूँ, लगाने के बाद छोड़ दो तो फेस और ज्यादा ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। तो केमिकल तो बिल्कुल मैं यूज नहीं करने वाली अब की बार। ओफो, स्किन लाइटनिंग स्किन वाइटनिंग हमेशा केमिकल से नहीं होती है, कुछ नेचुरल प्रोडक्ट भी होते हैं जो हमारी स्किन को लाइट और ब्राइट करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा केमिकल ही वाली चीज जो होती है वो स्किन लाइटनिंग करे। अच्छा तो आप ही बता दो नेचुरल तरीके से मैं कैसे अपने फेस को ठीक करूं जो इतना खराब हो गया है, ड्राइनेस भी बहुत ज्यादा हो गई है मेरे फेस पे। मैं तुझे अभी इतना इजी और इफेक्टिव स्किन केयर रूटीन बताऊंगी तो तू कहेगी कि वाह इतना इजी है। और पता है अच्छी बात क्या है, इसको अगर तू फॉलो करेगी ना तो 1 वीक में ही जो तेरे पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो जल्दी बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए। तो आओ देख लो ये इजी 3 स्टेप स्किन केयर रूटीन। इसमें तुम्हें सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करना है, इसके लिए चाहिए फेस वॉश। जो भी तुम्हें पसंद हो अपने स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग फेस वॉश लो और उससे अपने फेस को क्लीन करना है दिन में 2 बार। एक तो सोने से पहले करना है और जब सो के उठोगे तब भी फेस वॉश से क्लीन करो, जिससे जो फेस पे ऑयल और सारी चीजें हमने रात में लगाई थी वो रिमूव हो जाए। तो अच्छे से फेस वॉश लेके मसाज करो हल्के हाथ से, उसके बाद पानी से अपने फेस को धो के बहुत ही जेंटली पोंछ लो। इसके बाद तुम करोगी सेकंड स्टेप। ये स्टेप तुम्हें डेली करना है रात वाले स्किन केयर रूटीन में। टोमेटो यानी टमाटर या फिर नींबू का रस लेना है और अपने फेस पे इसको धीमे धीमे जैसे मैं दिखा रही हूँ इस तरह से करना है। तो टमाटर और लेमन में होती है विटामिन सी, भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स और स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज। तो इन दोनों में से एक चीज लेके अपने फेस पे डेली लगाओ, रात में जब तुम सोओगे उससे पहले इस तरह से लगा लो। ये है तुम्हारा सेकेंड स्टेप। तो ये बहुत ज्यादा मदद करता है जो फेस पे पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, उन्हें रिमूव करने में। इसके बाद आप अपने फेस को धो लोगे। इसके बाद हम आएंगे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में तुम्हें कोई भी अच्छी एक क्रीम लेनी है जो कि ब्लेमिशेस यानी पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स के लिए बनी हो, और तुम्हें चाहिए केमिकल फ्री क्रीम। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी ये वाली क्रीम, ये है मामा अर्थ की बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम। ये क्रीम तुम्हें लेनी है, ये स्पेशली पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, डार्क स्पॉट्स के लिए बनी है। तो मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूंगी क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनी है। तो इस क्रीम को लेके तुम्हें डॉट डॉट अपने फेस पे लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ, और फिर हल्के हाथ से मसाज करना है, और इसे भी तुम्हें 2 बार लगाना पड़ेगा अच्छे फायदे के लिए, मॉर्निंग में और नाइट में। तो इसलिए मैं तुम्हें ये रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि ये मिनरल ऑयल, पैराबिन फ्री है, ये सारे स्किन टाइप पे सूट होती है, और इसके साथ साथ इसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं वो सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो इसे तुम्हें जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है दोस्तों, तो चेक करना बिल्कुल ना भूलें। बस इतना सा करना है, रात में और दिन में फेस वॉश करने के बाद फेस पे सनस्क्रीन लगानी है। सनस्क्रीन लगाए बिना बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना क्योंकि पिगमेंटेशन सूरज की वजह से भी होती है, जो उसकी रेज हमारे फेस पे पड़ती है पिगमेंटेशन करती है। तो सनस्क्रीन के बिना बिल्कुल बाहर नहीं जाना है, तो मॉर्निंग में फेस वॉश के बाद सनस्क्रीन जरूर लगानी है। वाह बस इतना सा काम करना है, इसे तो मैं रोज क्या हमेशा यही करूंगी जिससे मेरे फेस पे बिल्कुल भी पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम आए ना। तो मैं आज से ही ट्राई करती हूँ। हाँ जरूर फॉलो कर,
और हाँ दोस्तों, अगर आपको भी पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है तो आप भी ये इजी सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करके देखो। 1 मंथ में ही आपको बिल्कुल क्लीन, क्लियर, स्पॉटलेस फेस आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें, साथ ही प्रोडक्ट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसे भी जरूर चेक करें। शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटी भी जरूर दबा लीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।